महाराज जी ने उन्हें बताया कि ये गुफाओं में योगियों के प्रकाशमान शरीर थे। जब वे बाहर ब्रह्मांड में यात्रा करने के लिए गए थे, रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। महाराज जी की महासमाधि के कुछ सप्ताह बाद लखनऊ के हनुमान मंदिर में एक अजनबी आया। उसने कहा कि वह महाराज जी को जानता था और सोचता था कि वे एक महान आत्मा थे। पुजारी जी को एहसास हुआ कि उस आदमी को महाराज जी की महासमाधि के बारे में नहीं पता था। उसने उस आदमी को बताया कि कलश में महाराज जी की अस्थियां हैं। उस आदमी ने कहा कि यह असंभव है, क्योंकि उसने कुछ ही दिनों पहले महाराज जी को अमरकंटक में देखा है। उसने कहा कि महाराज जी ने कमर में एक टाट की बोरी पहन रखी थी, बस और कोई अन्य कपड़ा नहीं पहना हुआ था। महाराज जी ने उससे कहा था कि वे अपना कंबल कैंची में छोड़ आए हैं और अब से वे महंगी धोती नहीं पहनेंगे। उन्होंने कहा था कि आश्रम जेल जैसे थे और वे जनसाधुओं के मस्तिष्क आसक्ति से मुक्त होने चाहिए। उन साधुओं के मस्तिष्क में आसक्ति का दबे पांव प्रवेश होने देते हैं। महाराज जी ने कहा था कि वह आश्रमों से दूर भाग आए थे और वे वहाँ कभी वापस नहीं जाएंगे। अब से वे जंगल में रहेंगे और उनके पास बिना किसी विधि विधान के गाना गाने के लिए और प्रार्थना करने के लिए बहुत समय होगा। पुजारी आदमी के खुलासे से दंग रह गया। एक पल के बाद जब वह अजनबी से सवाल करने के लिए मुड़ा तो पता चला कि अजनबी गायब हो गया था। एक बार फिर उषा जी ने मुझे और राधा जी को उसके बारे में दो कहानियाँ बताईं, जो कि महाराज जी ने उन्हें दिखाया जब वे लोग बद्रीनाथ में थे। उन्होंने कहा कि वे दूर पहाड़ को देख रही थीं और उन्होंने वहाँ एक विशाल घोड़े को चलते हुए देखा। घोड़ा इतना बड़ा था कि उसका पेट ऊंचे देवदार के पेड़ों से ऊंचा था। महाराज जी ने कहा कि उस घोड़े पर भगवान शिव सवारी करते हैं। एक रात वे महाराज जी के साथ बैठी हुई थीं। कभी कभार छोटी सी चमकती हुई सफ़ेद रोशनी बाहर से उभर कर आती और दूर अंतरिक्ष में गुम हो जाती। कभी कभी रोशनी अंतरिक्ष से आती और पहाड़ में गायब हो जाती। महाराज जी ने उन्हें बताया कि ये गुफाओं में योगियों के प्रकाशमान शरीर थे। जब वे बाहर ब्रह्मांड में यात्रा करने के लिए गए थे, जाहिर है महाराज जी भ्रम की माया के माध्यम से देखते थे और दूसरों को दिखाते थे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की।
जय बोलो।